हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू उपासना मैजिक मोमेंट चैनल एंड उपासना की मैजिक मोमेंट चैनल में मैं उपासना फूड ब्लॉगर आज आप लोगों के सामने लेके आ गई एक नया अनोखा रेसिपी। कौन सा रेसिपी? उस रेसिपी को चलिए देख लेते हैं कि मेरा रेसिपी आपके साथ हम कैसे बनाते हैं। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू उपासनास मैजिक मोमेंट चैनल एंड उपासना की मैजिक मोमेंट चैनल में आज मैंने बना लिया है चिकन गुस्तावा। ये एक कश्मीरी डिश है। कश्मीर में ये चिकन गुस्तावा बहुत बनते हैं और आज मैंने चिकन गुस्तावा बनाया है। ऐसे मटन गुस्तावा का रेसिपी भी होते हैं, अगर आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कीजिए तो मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये चिकन गुस्तावा इतना यूनिक स्टाइल कैसे बन सकता है, चलिए जल्दी जल्दी में देख लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा ये रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना और प्लीज़ प्लीज़ मेरा वीडियो एकदम एंड तक देखना। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू उपासनास मैजिक मोमेंट चैनल एंड उपासना की मैजिक मोमेंट चैनल में मैं उपासना फूड ब्लॉगर आज आप लोगों के सामने लेके आ गई एक कश्मीर की खाने की रेसिपी। इसके पहले मैंने आप लोगों के सामने कश्मीरी पुलाव का रेसिपी शेयर किया, कश्मीरी दम आलू का रेसिपी शेयर किया, कश्मीरी डोगरा स्टाइल खट्टा मटन का रेसिपी शेयर किया। आज मैं बनाने जा रही हूँ कश्मीरी स्टाइल एकदम ऑथेंटिक तरीके से एकदम बिन मसले पे जो बनना है आज वो है चिकन गुस्तावा। YouTube में बहुत सारा चिकन गुस्तावा का रेसिपी आप लोगों ने देखा होगा, तो मेरा रेसिपी भी आप लोग देख लीजिए। एकदम यूनिक कायदे से मैं आज चिकन गुस्तावा को बनाऊंगी और बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को समझा भी दूंगी। तो चलिए देर किस बात की, चिकन गुस्तावा का रेसिपी की शुरू करते हैं। कश्मीर को हम लोगों का देश का भूसर कहा जाता है। वो उसका जो नेचर है उतना ही सुंदर है जितना उन लोगों का पीपल दिखने में सुंदर है, उन लोगों का एटीट्यूड सुंदर है, उतना ही उन लोगों का खाना सुंदर है। तो देर की जरूरत की, चलिए जल्दी जल्दी में हम कश्मीरी गुस्तावा का रेसिपी शुरू करते हैं। तो चिकन गुस्तावा बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए बोनलेस चिकन 500 ग्राम। इधर देखिए मैंने चिकन कीमा को मिक्सर ग्राइंडर के अंदर अच्छे से फेंट लिया है और देखिए ये कितना सख्त भी हो गया है। चिकन कीमा को अच्छे से मैंने फेंट लिया है और हमेशा अगर आप चिकन कीमा को अभी बना के दो घंटा अढ़ाई घंटे के बाद चिकन गुस्तावा बनाएंगे ऐसा डिसाइड किया है तो ज़रूर देखिए मेरा जो पॉट है एकदम चिल्ड है, अभी अभी मैंने फ्रिज से निकाला है। चिकन गुस्तावा तब भी अच्छा बनेगा जब गुस्तावा का ये चिकन कीमा एकदम ठंडा रहेगा। तो ये जो चिकन कीमा है इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। इसके बिना भी हम लोगों को लगेगा दही, गुस्तावा के अंदर दही का भरपूर इस्तेमाल होता है, और लगेगा थोड़ा सा गार्लिक का पेस्ट। इधर मैं इंस्टेंट गार्लिक का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। लगेगा घी, थोड़ा सा गुस्तावा बनाते वक्त लगेगा, थोड़ा सा ग्रेवी के अंदर लगेगा। और उसके बिना एक गुस्तावा का जो स्पेशलिटी है इसके अंदर हल्दी, धनिया, मिर्चा, ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं होता है, मतलब मसाला का कुछ इफेक्ट नहीं है गुस्तावा के अंदर। जब हम चिकन गुस्तावा बनाऊंगी तो चिकन गुस्तावा के अंदर ये है इलायची पाउडर, ये वाला इलायची पाउडर हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर है ब्लैक इलायची एंड एज वेल एज ग्रीन इलायची। आप लोग तो पता ही है ये है ग्रीन इलायची और एक बड़ा वाला होता है, मैं थोड़ा सा फट लिया है, ये वाला है ब्लैक इलायची। इसका दाना थोड़ा सा लंबा होता है और ये जो ग्रीन इलायची है, दोनों इलायची को मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके उसका एक इतना अच्छा सा एक पाउडर बना लिया है। तो ये वाला इलायची का पाउडर गुस्तावा के अंदर यूज़ होगा। उसके बिना भी हम इधर यूज़ कर रहे हैं फेनल एंड सॉल्ट के पाउडर। सॉल्ट होता है ड्राई जिंजर और फेनल होता है जिसको आप बोलते हैं सौंफ। सॉल्ट और सौंफ को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके मैंने ये मसाला बना लिया है। इधर से थोड़ा सा मसाला हम यूज़ करेंगे। आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं सॉल्ट सौंफ कैसा होता है, आप लोगों को तो पता ही है। और ए होता है सॉल्ट, ए है ड्राई जिंजर, ए होता है सॉल्ट। ड्राई रोस्ट करने के बाद बहुत ही अच्छे खुशबू आते हैं इससे। और सौंफ तो आप लोगों को पता ही है, फिर भी हम एक बार आप लोगों को दिखा रहे हैं, ए होता है सौंफ।
सौफ मतलब फेनल, जिसको बंगाली में बोलते हैं मोड़ी। तो देर किस बात की, चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। और ये गुस्सावा के अंदर एक ऑनियन का पेस्ट यूज़ होता है, तो मतलब बिरस्ता का पेस्ट व फ्राइड ऑनियन का पेस्ट। तो फ्राइड ऑनियन के लिए इधर मैंने ढेर सारा प्याज को कट करके लिया है। इस प्याज को हम फ्राई करेंगे बिरस्ता की टाइप्स। तो चलिए पहले गुस्सावा बनाने के लिए पहले ऑनियन को फ्राई कर लेते हैं। उससे पहले गुस्सावा को थोड़ा सा बना लेते हैं। गुस्सावा बनाने के बाद हम ऑनियन फ्राई दिखाएंगे, उसके बाद गुस्सावा का प्रिपरेशन दिखाएंगे। तो प्लीज़ मेरा रेसिपी एकदम एंड तक देखना। चलिए जल्दी जल्दी में शुरू हो जाते हैं। तो देखिए चिकन गुस्सावा बनाने के लिए पहले मैंने एक पॉट ले लिया है। इसके अंदर हम चिकन का जो कीमा है उसको डालेंगे। चिकन का कीमा को मैंने डाल दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट तो हमें चाहिए ही, और टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम सॉल्ट को डालेंगे। सॉल्ट डाल दिया, और सॉल्ट डालने के साथ ही हम इसके अंदर यूज़ करेंगे थोड़ा सा टेस्टिंग सॉल्ट। इससे बहुत ही बढ़िया गुस्सावा के अंदर स्वाद आएगा। पर ये टेस्टिंग सॉल्ट एकदम कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। नमक डाला और टेस्टिंग सॉल्ट डाला। अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा घी। घी या मक्खन दोनों ही आप डाल सकते हो। मेरे पास अभी घी है इसलिए मैं घी डाल रही हूँ। एक ढक्कन, दो ढक्कन, दो ढक्कन जैसे घी मैंने डाल दिया। और बाकी जो घी है उसको मैं बाद में यूज़ करूँगी। इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा केवड़ा वाटर। उस समय के अंदर ज़्यादा केवड़ा वाटर जाता नहीं है, पर थोड़ा सा अगर आप डालें तो इसका टेस्ट ही बहुत बढ़िया आता है। तो और आप कुछ भी नहीं डालना है। इसके अंदर हमें डालना है ए इलायची का पाउडर, जो ब्लैक इलायची और ग्रीन इलायची मैंने लिया था उसका जो पाउडर मैंने बनाया था उसको ही बस डाल दिया। बहुत ही अच्छा वेवी खुशबू आ रहा है। और गुस्सावा एकदम वाइट कलर के बनते हैं, इसके अंदर ज़्यादा कुछ यूज़ होता नहीं। तो गुस्सावा को जल्दी जल्दी में पकाते हैं। थोड़ा सा इसको पका लिया। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ जिंजर गार्लिक मतलब गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। सॉरी, तो देखिए इतना सा गार्लिक का पेस्ट हमने इसके अंदर डाल दिया। तो गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर। तो चलिए ब्लैक पेपर को इसके अंदर डालते हैं। ब्लैक पेपर का टेस्ट इसके अंदर अच्छा भी लगेगा, तो ब्लैक पेपर डालते हैं। और लिटिल बिट ऑफ पुलाव मसाला, ये मैंने घर पे बनाया है पुलाव मसाला। इसका रेसिपी देखने के लिए आप मेरा मोर मीठा पुलाव का रेसिपी देख सकते हैं। तो पुलाव मसाला डाल दिया इसके अंदर। इसके अंदर और कुछ भी नहीं लगेगा। अब हम क्या करेंगे, सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिलाएंगे। गुस्सावा के अंदर मेनली इलायची पाउडर का ही यूज़ इस्तेमाल होता है। और अगर आप थोड़ा सा पुलाव जो मसाला है, आप मेरा मूंग मीठा पुलाव का रेसिपी देख लीजिएगा, उससे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है पुलाव मसाला बनाने का विधि। जायफल, जावित्री, शाहमुरीच, काला मिर्च, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा फेनल, थोड़ा सा सौंठ, थोड़ा सा कबाब चीनी, सब कुछ मिला के ड्राई रोस्ट करके मसाला बनता है। तो देखिए गुस्सावा बहुत ही ठंडा है इसलिए मेरे हाथ पे भी बहुत लग रहा है। और कोई बात नहीं, गुस्सावा हमेशा ऐसे ही अच्छे बनते हैं। तो अब चलिए गुस्सावा का प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो गुस्सावा को तो मैंने अच्छे से बना लिया। अब हम इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे फ्रिज में। जैसे इसके अंदर अच्छे से एक आट आ जाए तब तक हम बिरस्ता को फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए इधर हमारा जो पैन है वो अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब हम इसके अंदर लिटिल बिट ऑफ ऑयल डालेंगे। ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, बिरस्ता का ऑनियन का कंसिस्टेंसी भी बहुत कम है। ऑयल डाल दिया, ऑयल गर्म हो चुका है।
अब हम ये जो ऑनियन को स्लिटेड कर लिया है, ये ऑनियन को एकदम पानी निचोड़ कर इसके अंदर हम यूज़ करेंगे और एकदम डीप फ्राई करेंगे, एकदम जैसे ब्राउन हो जाए एकदम। तो ये बेरेस्ता का जो पेस्ट है वो इसके अंदर ज़रूर जाता है। गुस्साबा तो आपको दिखा दिया, अब गुस्साबा को हम वाटर के अंदर धीरे धीरे शैलो बॉईल करेंगे। तब तक हम ऑनियन को बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इधर हम स्टीर फ्राई का ऑप्शन ले लेते हैं। ये हो जाने के बाद हम गुस्साबा का प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तो चलिए पहले ऑनियन को धीरे धीरे फ्राई कर लेते हैं जैसे अच्छे से ब्राउन कलर आ जाए। और ये जो ऑयल बचा हुआ रहेगा उसके अंदर ही हम गुस्साबा के लिए पानी डालेंगे, इससे पानी के अंदर एक ऑयली कंसिस्टेंसी आएगा। तो चलिए बेरेस्ता को फ्राई कर लेते हैं। देखिए इधर हमारा बेरेस्ता धीरे धीरे फ्राई होते जा रहा है और इसको हम कलर भी दे रहा है क्योंकि बेरेस्ता कभी भी जल सकता है। जब इस कंडीशन पे आ जाए, थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है, थोड़ा सा पीला, थोड़ा सा सफ़ेद, मतलब पूरा पक चुका है, अभी से कलर आना बाकी है। तो चलिए इसको ऐसे मैंने पलट दिया और इसको और 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमारा बेरेस्ता जो है फ्राइड ऑनियंस अच्छे से तैयार हो चुका है। अपने कर दूँगी इंडक्शन को ऑफ और बेरेस्ता को दूसरा वाला पॉट पर निकाल लेते हैं। तो देखिए इधर मैंने पैन को गर्म होने के लिए बैठा दिया है। अब हम इधर से थोड़ा सा बेरेस्ता फ्राई किया हुआ ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा, एकदम ज़्यादा नहीं चाहिए। तो गुस्साबा के अंदर एक अच्छा वाला बेरेस्ता जैसा फीलिंग आएगा। तो जब ही ऑयल मैंने डाल दिया, अब हम इसके अंदर कुछ साबुत मसाले डालेंगे। साबुत मसाला, देखिए साबुत मसाला मतलब बेलीफ। बेलीफ को थोड़ा सा धो डालते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं काला इलायची सौंठ, डाल रहे हैं थोड़ा सा ग्रीन इलायची, सिनेमन का स्टिक, डाल रहे हैं थोड़ा सा वाइट पेपर, ब्लैक पेपर एंड क्लोव। लिटिल बिट ऑफ फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि गुस्साबा के अंदर मसाला फ्राई नहीं होता है। डाल दिया सब कुछ। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी, पूरा पानी हम इसके अंदर डाल देंगे। पूरा एक जार डाला हमने पानी को। अब पानी को हमको उबलते जाना है, तो उबलने के लिए इधर मैंने टेम्परेचर दे दिया है। और इस वक्त गुस्साबा कैसे तैयार करते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो ये वाला हमने कीमा ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथों पे तेल ग्रीस कर लेंगे। देखिए ऐसे ही मैंने हाथों पे तेल ग्रीस कर लिया। अब हम थोड़ा सा कीमा ले आया है और कीमा लेके हम इसको ऐसे धीरे 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 गोल करेंगे। ऐसे गोल गोल हमें बनाना है और इसके साइड में ना ऑयल का एक पोर्शन रहना है तो गुस्साबा अच्छे से खिलेगा। देखिए एक एक करके गुस्साबा हम पानी के अंदर डाल रहे हैं। पहले टेम्परेचर को लो करके हमें पकाना है गुस्साबा को, उसके बाद वाह अभी कितनी अच्छी अच्छे से फ्लेवर आ रहा है। देखिए फिर से मैंने हाथों तले ग्रीस कर लिया और ऐसे ही हम गुस्साबा को हाथ में लेंगे। बड़ा वाला पीस अगर कुछ रह गया हो तो उसको प्लीज़ डिस्कार्ड कर दे क्योंकि गुस्साबा सिर्फ कीमा से ही बन सकता है, दूसरा कुछ से नहीं। फैंटाबुलस फ्लेवर आ रहा है, फैंटाबुलस। तो ऐसे ही बस इसको ले लिया। अब हम इसको भी पानी के अंदर डाल दिया है। कश्मीरी खाना मतलब ही शान ही शान, बहुत ही कम मसाले पे बनेगा पर बनेगा एकदम ज़बरदस्त। मैं गुस्साबा एक सीक्रेट बताती हूँ आपको, पहली बार ट्राई कर रही हूँ
मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, पर मैं वीडियो बड़ा हो इससे थोड़ा सा ध्यान नहीं देती हूँ। मैं ध्यान वही से देती हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ पाए, मतलब आप लोग अगर समझ पाए तो उससे मेरा इनकम करके भी यूट्यूब से कुछ फ़ायदा नहीं। आप लोगों का अगर कुछ सिखा पाऊँ तो उससे ही मेरा ये है। देखिए ये थोड़ा सा पीस अच्छे से पका नहीं है, इसलिए मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया और ये वाला ले लिया। ऐसे ही हम हाथों तले ले लेंगे। चिकन को एकदम ठंडा रहते रहते इसको ना पकाना है। जितना ठंडा रहते रहते आप पकाओगे उतना अच्छा गुस्तावा बनेगा। तो देखिए ऐसे ही हम गुस्तावा को डालते हैं। तो ऐसे ऐसे गुस्तावा को डाल लेते हैं, वरना पूरा दिखाना जाओ तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद आपको बाकी का प्रोसेस दिखाते हैं। तो देखिए इधर मैंने सारे गुस्तावे को डाल दिए हैं। देखिए कितनी अच्छे से इसके ऊपर उबल आ रहा है। अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं तेज पत्ता। एकदम इजी बनाना है खाना, बिल्कुल मत घबराइए। मैंने डाल दिया गुस्तावा, डाल दिया बे लीफ। अब हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं इस खाने की शान, सॉरी थोड़ा सा निकल गई, इस खाने की शान वो है फेनल एंड सॉल्ट के पाउडर। तो फेनल 2 टीस्पून, 3 टीस्पून, 3 वाला टीस्पून मैंने डाला है मसाला और 1 टीस्पून हम ये जो पुलाव वाला मसाला है वो डालेंगे। इससे और भी अच्छा शानदार खुशबू आएगा। और थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डालेंगे, ब्लैक पेपर भी डालेंगे 1 टीस्पून, और कुछ भी नहीं जाएगा अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे बस मसाला को इसके अंदर चला देंगे। जैसे मसाला इस ग्रेवी के अंदर चला जाए और गुस्तावा धीरे धीरे फ्राई हो, कोई बात नहीं, गुस्तावा धीरे धीरे ही फ्राई होगा। जब तक ये गुस्तावा फ्राई होता है तब तक हम ये जो दही है उसको चलिए फेंट लेते हैं। दही को फेंटना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दही कभी कभी ना फट जाता है। तो अगर हम दही को थोड़ा सा फेंट ले उसके बाद इसके अंदर डाले तो दही फटे नहीं। तो दही को चलिए फेंट लेते हैं। देखिए इधर हमारा गुस्तावा जो है वो 50% बॉयल हो चुका है। तो दिख रहे हैं अच्छे से उबल रहा है गुस्तावा। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये वाला कर्ट। कर्ट को अच्छे से मैंने फेंट लिया है जिसकी वजह से कर्ट फटेगा नहीं। कर्ट को अच्छे से मैंने फेंट लिया है और इसको डालने के बाद हम इसके अंदर एक स्टर करेंगे। स्टार करेंगे फिर भी देखिए ये अलग होने की ये शान आ रही है। कर्ड अगर अच्छे से ना हो तो इसके अंदर टेस्ट आता नहीं। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट, मतलब सिर्फ गार्लिक का पेस्ट, और उसके साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा केवड़ा का वाटर। एकदम लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा घी एंड थोड़ा सा इसको अच्छे से उबाल आने दे। इससे मैंने लगा दिया है ढक्कन, अब इसको कुक होने दे। एकदम लास्ट में हम इसके अंदर यूज़ करेंगे कसूरी मेथी, ऑनियन का पेस्ट मतलब बेरस्ता का पेस्ट, और उसके साथ ही यूज़ करेंगे थोड़ा सा घी। तो इसको और 5 मिनट को उबालने दे, उसके बाद हम इसके अंदर बेरस्ता का पेस्ट ऐड करेंगे। देखिए इधर हमारा चिकन गुस्तावा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये बेरस्ता का पेस्ट डालना है। दरदरा पिसा है मैंने बेरस्ता को, मतलब बिना पानी में इसको पेस्ट करना होगा। पानी आप डाल नहीं सकते इसके अंदर, जितना पानी मैंने पहली बार डाला है उसके बिना आप इसके अंदर पानी ऐड नहीं कर सकते। तो देखिए बस ऐसे ही ग्रेवी तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे घी। घी को हम इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा सा
गर्म पानी इसके अंदर लेके हम घी को अच्छे से निकाल लेंगे। घी ले लिया हमने, अब हम इसके ऊपर डालेंगे फेनुग्रीक का लिप्स। एक्चुअली इसमें अंदर डालते हैं मिंट लिप्स, तो मिंट लिप्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी डाला, जिससे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम ऐसे लो फ्लेम पे एक दो मिनट के लिए गुस्तावा को पकाएंगे, उसके बाद आपको सर्विंग दिखाते हैं। देखिए इधर हमारा गुस्तावा एकदम बनके तैयार है। आप मैंने कर दिया है इंडक्शन को ऑफ, और ऑब्वियसली जल्दी जल्दी में हम कवर लगाएंगे, वरना इसका फ्लेवर बाहर आ सकता है। तो चलिए अब गुस्तावा को सर्व कर लेते हैं। तो देखिए इधर हमारा गर्मा गर्म चिकन गुस्तावा एकदम बनके तैयार है, एकदम ऑथेंटिक तरीके से बना है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ मसाला गया नहीं, ये वन टाइप ऑफ सूप जैसा रेसिपी है। और इसके अंदर देखिए इतना बड़ा बड़ा साइज़ का इसका अंदर गुस्तावा है, एकदम नया टाइप का रेसिपी है। आप ट्राई कर सकते हैं इसको घर पे। तो आज मेरा रेसिपी इतना तक ही, लौट के आऊँगी दूसरा एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरा साथ में रहिएगा, खुश रहिएगा, ठीक से रहिएगा। मैंने आप लोगों को जूम से दिखाई कि मेरा गुस्तावा कितनी अच्छे से बन चुकी है। तो चलिए आप लोगों से विदा मांगती हूँ, खुदा हाफिज़, बाय। आप आज मेरा रेसिपी मैंने कितनी अच्छे से आप लोगों के सामने बना लिया। आप लोगों के साथ कुकिंग करने में मुझे बहुत आनंद होता है। आप प्लीज़ मेरे साथ में रहिएगा, तो खुश रहिएगा, ठीक से रहिएगा, सेफ रहिएगा। लौट के आऊँगी दूसरे एक ऐसे ही रेसिपी के साथ। और मेरा रेसिपी को सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलना। खुदा हाफिज़, बाय।